हेलो, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं उनके अच्छे से प्रिपरेशन, उनके नोट्स वगैरह अच्छे से बना रहे होंगे आप लोग सभी, और अपनी जो स्टडी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 पार्ट 2 क्लास 10th का। ठीक है ना, क्लास 10th का लेसन नंबर 7 पार्ट 2 इसको हम पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी? सभी तैयार हैं? ओके, चलो अपने पढ़ने पढ़ाने की जो महफिल है उसको आगे बढ़ाते हैं। और You will see in this chapter उर्ग, जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो जगह है उर्ग के बारे में आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हो, जाना हो, तो राइटर जो है इसके आपको एक बहुत अच्छी जगह पे घुमाने ले जाना चाहते हैं। और आज हम राइटर के थ्रू आपको एक ऐसी जगह की सैर कराएंगे जिसको जिसके बारे में आप लोग जब जानेंगे तो डेफिनेटली वहां जाने का मन होगा। ठीक है ना, जिस तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत ही ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, और आप लोगों ने भी काफी जगहों के ऊपर ट्रैवलिंग की भी होगी। तो आज हम इस लेसन के थ्रू, लेसन 7 इसका पार्ट 1 बेटा, हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कर लिया था बेकर फ्रॉम गोवा, वहाँ पे हम थोड़ी सी गोवा की सैर करके आए थे, गोवा के जो ट्रेडिशन के बारे में जाना था हमने। आज हमारे इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग कुर्ग जो जगह है, कर्नाटक स्टेट जो है हमारा, हमारे कंट्री का जो एक स्टेट कर्नाटक, उसमें एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कुर्ग है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह का एरिया है, किस तरह के लोग हैं, क्या चीज़ वहाँ की फेमस है, किन किन चीज़ों को हम एंजॉय कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस लेसन में समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो लेसन है डॉक्टर लोकेश अब्रोल ने लिखा है, लोकेश अब्रोल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर लोकेश अब्रोल, ठीक है, वो एक ट्रेवलर भी हैं, वो एक डॉक्टर भी हैं, ठीक है ना, और उनका जन्म यहीं जो हमारे गुरुग्राम जो जगह है वहाँ पे हुआ था, क्वाटरपुरी जो जगह है उसमें, गुरुग्राम के अंदर उसमें उसका जन्म हुआ था। और ये इन्होंने 1991 में गुड़गांव में जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनाया था, सबसे पहला आप कह सकते हैं 1991 में लोकेश अब्रोल ने। और कहता है अब उन्होंने इस लेसन के बारे में क्या चीज डिस्क्राइब की है, यू विल सी हियर, आप ध्यान देंगे समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले कुर्ग जो जगह की बात करता है, कहता है ये जो कुर्ग है एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, कर्नाटक जो जगह है, कर्नाटक जो स्टेट है उसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, उसका छोटा सा जिला जिसको कहा गया है कुर्ग, जिसका नाम है कुर्ग, उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और क्या नाम है वो बता दो एक बार बोल भी, शाबाश बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्या नाम है उसका, कोडागू, क्या नाम है, कोडागू नाम है। यानी कुर्ग जो है कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जिसे हम जानते हैं कोडागू नाम से भी, किस नाम से जानते हैं, कोडागू नाम से जानते हैं। और ये जो है lies between, ये जो जगह है कोडागु जो जगह है कर्नाटक है, lies between मैंगलोर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ मैंगलोर, एक सेकेंड, ये जो जगह है कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। कहता है ये जो हमारा शहर है ना, ये जो हमारा जिला है कहाँ पे है, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर, उन दोनों के बीच में है। फिर सुनिए एक बार, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर के बीच में फैला हुआ ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, कुर्ग, और उसे दूसरे किस नाम से जान सकते हैं आप, कोडागु, वेरी गुड। डॉक्टर लोकेश अब्रोल क्या है, वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी है, एक ट्रेवलर भी है, और वो गुरुग्राम की क्वाटरपुरी शोज विलेज है उसमें उनका जन्म हुआ। और कहता है 1991 में इन्होंने फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है गुरुग्राम में बनाया था। उसके बाद क्या कहता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, कौन सा,
बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही मतलब अपने आप में एक नेचुरल ब्यूटी है, और अच्छी सुंदर जगह होने के कारण ही इसे नाम दिया गया है। किस नाम से जाना गया है? शाबाश, किंगडम ऑफ गॉड। बहुत अच्छे बच्चे हैं। किस नाम से जाना है इन्हें? किंगडम ऑफ गॉड के नाम से जाना, भगवान का साम्राज्य, ठीक है ना। यहाँ जहाँ पे गॉड, और गॉड कहाँ पे, मतलब एक बेस्ट प्लेस होता है, इसीलिए उसको कहा गया है किंगडम ऑफ गॉड है। एंड इट्स अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ये जो कुर्ग है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक जो स्टेट है उसका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? कुर्ग। बहुत ब्यूटीफुल है, इसे क्या कहा गया है? किंगडम ऑफ गॉड कहा गया है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है। दूसरा नाम क्या है इसका? कुदागु है। कहाँ पे है ये? श्याबास, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। उसके बाद अब देखिए इसमें किस चीज के लिए फेमस है, ये जो जगह है किस चीज के लिए फेमस है, ध्यान से देखिए। इसमें कॉफी, कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है भाई। इसमें क्या चीज होती है बहुत ज्यादा? कॉफी प्लांटेशन, यानी कॉफी जो है, जो इसकी जो लगाते हैं, चाय की बजाय कह सकते हैं हम यहाँ पे, कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए फेमस है। दूसरा हमने लिखा है एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या? एवरग्रीन फॉरेस्ट। सी, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए भी बहुत फेमस है। और तीसरा इसमें हमने लिखा है स्पाइसेस, यानी ये तीन चीजें यहाँ की फेमस है, एक कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट और स्पाइसेस, मसाले। क्या क्या फेमस है एक बार बोल के बता दो। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात। इन चीजों के लिए जो हमारा कोदागु जो जगह है बहुत फेमस है। उसके बाद कहता है ये जो 30% एरिया लिखा हुआ है, 30% एरिया कवर्ड है, यानी इसके टोटल 100 में से 30% पार्ट पे तो भाई साहब क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है जी। क्या बताता है राइटर? कि इस पूरे इसके इसमें अगर हम बात करें इस डिस्ट्रिक्ट की, तो पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के 100 में से 30% में तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है, ठीक है। तो ग्रीन भी तो अपने आप ही देखने को मिलेगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मतलब हमेशा ग्रीन रहने वाले, हमेशा ग्रीन रहने वाले, यानी से वहां पे ग्रीनरी तो भरपूर मात्रा में है, ठीक है। आगे क्या बताता है राइटर? राइटर देखो अब आपके काम की बात करता है, कहता है आप लोग वहां पे ट्रेवल करो, और अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो राइटर बताता है कि मैं आपको बेस्ट टाइम बता देता हूँ भाई साहब वहां पे जाने का, और वो बेस्ट क्या है जी? क्या है बच्चों, एक बार देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, शाबाश। कहता है राइटर अगर आप वहां पे ट्रेवल करते हैं, अभी अभी लॉकडाउन में नहीं ट्रेवल करना, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। हाँ, अभी जो है कोरोना की वजह से आप लोग अपने घरों में रहें, और जब ये महामारी खत्म हो जाएगी, जब पूरी तरह फिनिश हो जाएगी, तब लोग आप कभी चांस मिले तो खुद से या अपने पेरेंट्स के साथ जैसे भी आपको लगे अच्छा आप लोग ट्रेवल कीजिए। लेकिन राइटर आपको टाइम बता रहा है इस जगह पे जाने का, कहता है सेप्टेम्बर से लेके मार्च तक अगर जाएंगे आप, सेप्टेम्बर मंथ से लेके मार्च तक किसी भी मंथ में जा सकते हैं, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप उस टाइम जब जाएंगे तो वो जो वहां की जो नजारा है वो देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि राइटर ने कहा कि वहां जो है ना वेदर बहुत ही एकदम परफेक्ट, कैसा वेदर होगा? परफेक्ट वेदर होगा, ठीक है ना। इफ यू हैव टू ट्रेवल, ट्रेवल करो वहां पे, द बेस्ट वे, बेस्ट टाइम टू ट्रेवल ऑन दैट प्लेस इज सेप्टेम्बर टू मार्च, द वेदर इज परफेक्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो वेदर बड़ा परफेक्ट है, और कहता है यहाँ की जो एयर है ना, यहाँ की जो एयर है ना उसमें एक आपको खुशबू मिलेगी, इस चीज की खुशबू मिलेगी। अभी पढ़ा था भाई आपने इस चीज की, कॉफी की, यस, कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, बहुत ज्यादा कॉफी वहां पे होती है। तो कहता है हवा के अंदर, एयर में भी आपको एक खुशबू मिलेगी किस चीज की? कॉफी की, ओके, यस। उसके बाद अब उस चीज के बारे में जान लिया किस चीज के लिए वो फेमस है, वेदर वहां का कैसा है, कब जाना चाहिए। फिर कहता है जब वहां पे जाओगे तो वहां के लोग कैसे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। कुर्ग जो है ना वहां के लोगों की अगर बात करें तो कहता है एकदम इंडिपेंडेंट लोग है और ब्रेव लोग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री है और ब्रेव, बहुत बहादुर है वो, ठीक है ना, बहुत ही बहादुर लोग हैं वो, ठीक है। और
उन लोगों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, उन लोगों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, तो उनको बहुत इंडिपेंडेंट और बहादुर कहा गया है, और उन लोगों को माना गया है डिसेंट ऑफ ग्रीक और अरब, जो ग्रीक लोग थे ना और अरब लोग थे जो अपने आप में बहुत बहादुर होते, उनका डिसेंट, उनकी मतलब पूर्वज माना गया है, डिसेंडेंट माना गया है उनके, ठीक है ना। और इस चीज के बारे में कहानी भी बताता है राइटर, आपको दो छोटी छोटी कहानी बताएगा जिससे पता चलता है कहीं ना कहीं कि वो ग्रीक और अरब लोगों के डिसेंट थे, ठीक है। स्टोरी वन में क्या बताता है ये स्टोरी अलेक्जेंडर के बारे में है। किसके बारे में है ये? अलेक्जेंडर, ठीक है ना। जो अलेक्जेंडर राजा था वो कहता है वहां पे उस टाइम आया था और उन्होंने क्या किया, उन लोगों के ऊपर हमला किया, वहां उनको लूटना चाहते थे, और कहता है उन्होंने अपना वहां राज्य पाट कर लिया था। उसके बाद जब अलेक्जेंडर वहां से वापस गया तो कहता है वहां के जो आर्मी के, अलेक्जेंडर की आर्मी के काफी लोग जो थे वो वहीं रह गए कुर्ग में, ठीक है। और कुर्ग में रह के कहता है वहां के जो लोकल लोग थे उन लोगों से उन्होंने शादी कर ली, उन लोगों से उनकी परिवार बन गया, उनकी फैमिली बन गई, और वो वहीं के परमानेंट नेटिव हो गए। और अलेक्जेंडर की आर्मी तो अपने आप में बहादुरी के लिए फेमस ही थी, इसीलिए कहता है कि वो लोग बहुत ही बहादुर। समझ में आया? पहली स्टोरी अलेक्जेंडर के बारे में बताता है कि अलेक्जेंडर जब वहां पे आया था और वहां राज करने के बाद जो जाता है तो उसकी आर्मी का एक बहुत बड़ा पार्ट वहां रुक जाता है, वो वहां पे रुके, वहां लोगों से उन्होंने अपने मैरिज वगैरह हुई, परिवार हुए, फैमिली हुई, और वहीं पे वो लोग रहने लगे। इस कारण से उनको इनके डिसेंट माना है और वो बहुत बहादुर कहा गया। समझ में आया? दूसरी स्टोरी अरब्स के बारे में है। कहता है ये जो लोग है ना, ये जो कुर्ग के लोग है ना, एक ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कोट, ठीक है ना। अरब के लोग जो है ना एक ड्रेस, सॉरी कुर्ग की जो लोग हैं ड्रेस पहनते ब्लैक कोट, जो कि होता है किसकी तरह, खुफिया। खुफिया एक जो पहनने का होता है जिसको कौन पहनते हैं, अरब्स लोग पहनते हैं या कुर्ड्स लोग जो है ना वो पहनते हैं, और इसी तरह का जो कपड़ा है वो ही कौन पहनते हैं, कुर्ग भी पहनते हैं। यानी जो खुफिया होता है एक पूरा ब्लैक कोट, यानी ऊपर से नीचे तक इस तरह का होता है, जिसको अरब और अरब लोगों ने, आपने देखा और भी लोग जो होते हैं वो पहनते हैं ना इस तरह का ब्लैक ब्लैक, हाँ, तो वो पहनते हैं ऊपर से नीचे तक का इस तरह का। ऐसी ही चीज क्या कौन पहनता है, कुर्ग के लोग पहनते हैं। तो ये जो इसी खुफिया की तरह ही होता है, इसीलिए कहते हैं उसको देखे कि ये लोग भी जो है उनके डिसेंडेंट है, इसीलिए उनकी जैसी चीजें आज भी वो पहनते हैं। समझ में आई? ये दो स्टोरी इनके लोगों के बारे में इसीलिए बताती हैं कि ये लोग जो है ना बहुत बहादुर थे, ठीक है बेटा। अब आगे बात करूं हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहा, आओ भगत कहते हैं इसको। हॉस्पिटल अलग होता है और हॉस्पिटैलिटी अलग होती है। आओ भगत, आपके घर में कोई आता है, आप लोग उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो खातिरदारी ही हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। कोई भी आपके घर आया, आपने घर में घुसने ही नहीं दिया, चल भाई यहाँ से भाग जाओ, हमारे घर में नहीं आना, तो वो इसका मतलब आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं थी। इन लोगों की अपने आप में फेमस है पूरे देश में, इनकी हॉस्पिटैलिटी जो है, इनकी आओ भगत बड़ी फेमस है। आओ वहां जाओगे तो देखना वहां के जो लोग हैं आपकी कितनी खातिरदारी करते हैं। राइटर कहता है बड़ी जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी है इनकी। उसके बाद कहता है इनकी रेजिमेंट की बात कर रहा है, रेजिमेंट, इसको कुर्ग रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, ध्यान से समझिए इस चीज को, कुर्ग रेजिमेंट, ठीक है ना। इन लोगों की रेजिमेंट अपने आप में एक अलग नाम से ही है, जिसका नाम है कुर्ग रेजिमेंट, एंड इट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द कंट्री। क्या कहा मैंने कि इनकी जो रेजिमेंट है वो इन्हीं के नाम से, कुर्ग रेजिमेंट के नाम से ही अलग से है, और ये जो रेजिमेंट है इट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द कंट्री। पूरे देश में सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट इन्हीं की मानी जाती है, ठीक है ना। और ये जो लोग होते हैं इनका जो कहता है, देखो
सबसे जो पहला चीफ यानी आर्मी का पहला जो मार्शल चीफ यानी सबसे बड़ा जो चीफ होता है वो जो बना था पहला फर्स्ट जो है पूरी आर्मी का जो चीफ बना था वो एक कुर्गी था। समझ रहे हो? कुर्ग रेजिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कुर्ग के नाम से इनकी रेजिमेंट का नाम है। मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडिया, अपने देश में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड कुर्ग रेजिमेंट है। और पहला जो मार्शल था, चीफ मार्शल इंडिया का, आर्मी, इंडियन आर्मी का, वो कौन था? एक कुर्गी था और जिसका नाम था जनरल करियप्पा। क्या नाम था? जनरल करियप्पा जो है एक चीफ मार्शल फर्स्ट कुर्गी था जिसका नाम था जनरल करियप्पा। समझ आया बेटा यहाँ पे? क्लियर है? एक चीज और इसके बारे में बताते हैं, एक चीज और इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारा जो देश होता है, हमारा कंट्री जो है, उसमें अगर आप लोग कोई भी हथियार वगैरह रखते हैं, फायर आर्म्स वगैरह रखते हैं यानी बंदूक वगैरह आप रखते हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, वो आपको एक लाइसेंस देते हैं। उस लाइसेंस के मिलने के बाद ही आप फायर आर्म्स को यानी हथियार को अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज इलीगल टू ब्रिंग इट, है ना। लेकिन कुर्ग के जो लोग हैं, गवर्नमेंट ने सिर्फ कुर्गी लोगों को परमिशन दी हुई है कि विदाउट एनी लाइसेंस दे कैन टेक एनी ऑफ द फायर आर्म्स। फॉर द ब्रेवरी ऑफ द कुर्गी, इनकी बहादुरी के लिए इनको स्पेशली छूट दी गई है कि विदाउट लाइसेंस भी कोई भी फायर आर्म्स को अपने साथ में रख सकते हैं, कोई भी कुर्गी है। पॉइंट इज क्लियर? सो आप जान सकते हैं कि इनकी बहादुरी कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी राइटर थोड़ा सा बताता है और क्या कहता है। वहां का जो नेचुरल सीन आप देखेंगे ना, तो ये जो कावेरी नदी है वहीं से होके जा रही है, बड़ी उसको काफी पार्ट को कवर करते हुए जाती है और इसकी ब्यूटी में चार चांद लगा देती है। यहाँ जो कावेरी नदी के अंदर एक महासीर नाम की एक बड़ी सी जो फ्रेश वाटर फिश होती है, वो महासीर इस कावेरी नदी में यहाँ पे कुर्ग के अंदर मिलती है। महासीर जो फिश है कावेरी नदी के, इस महासीर को आप कह सकते हैं अ बिग फ्रेश वाटर फिश, ठीक है ना। उसके बाद कहता है यहाँ के जो फॉरेस्ट वगैरह में बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें आप एलिफेंट कह सकते हैं, जिसमें आप स्क्वायरल कह सकते हैं, लंगूर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के जानवर मिलते हैं। बर्ड्स में भी अगर हम बात करें, बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं, बटरफ्लाइज मिलती हैं, ये बहुत सारे जानवर हैं, पशु पक्षी उसमें देखने को मिलते हैं। और कहता है एलिफेंट की जो कला होती है ना, बड़ी फेमस होती है वहाँ पे, वो महावत के द्वारा हैंडल किए जाते हैं और उसमें से नदी से पानी भरना, लोगों पे डालना, अपने ऊपर डालना, ये एक एलिफेंट की जो इस तरह की आर्ट होती है वो देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। समझ में आया? इसके बाद कहता है एडवेंचरस गेम के लिए भी फेमस है ये जगह, बड़े एडवेंचरस गेम होते हैं, कभी जाओगे तो देखना, वहां पे चांस मिले तो आप भी करके देखना। और कहता है काफी सारे गेम है, राफ्टिंग का गेम है, कैनोइंग है, रैपलिंग है ना, माउंटेन क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, बहुत सारे इस तरह के एडवेंचरस गेम। क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसमें कौन कौन से गेम है, ध्यान देना। इसमें मैंने जो बताए हैं रैपलिंग, राफ्टिंग, कैनोइंग, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, इस तरह के गेम आपको वहां पे देखने को मिले। एडवेंचरस गेम है जिनको आप मतलब देखेंगे तो कुछ नया मिलेगा आपको। उसके बाद कहता है एक लास्ट चीज और बताता है राइटर कि उस चीज को भी आप एंजॉय करना। कहता है वहां पे एक ब्रह्मगिरी हिल है, उससे अगर हम आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक निसार्ग धामा नामा, ठीक है ना, निसार्ग धामा जो नाम का एक वहां पे बहुत बड़ी जगह है, जो 64 एकड़ लैंड की जगह है, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए फेमस है, वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए फेमस है। और उसके एक कहता है एक अपना अलग ही नजारा होता है उसको दूर से देखने का, ठीक है, जो 64 एकड़ लैंड के अंदर फैला हुआ, और जहां पे आप कहता है एक रोप ब्रिज के थ्रू वहां पहुंचते हैं। और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सीन होता है जब आप उस एरिया को देखते हैं,
ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। और कहता है ये किसके लिए फेमस है, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए फेमस है। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें आपको कुर्ग जो जगह है, बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो ये कि कर्नाटक के स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कुर्ग जो है उसके बारे में बात कर रहा है, और उसके लोगों के बारे में, उसमें जगह के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, उसमें उसकी जो ब्यूटी के बारे में, ठीक है ना, उसकी रेजिमेंट के बारे में, ये सब राइटर आप लोगों को बताता है। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, स्वीट और शॉर्ट चैप्टर है, और आपने बड़े ध्यान से इसको समझा होगा। जो भी पॉइंट आपको समझ आए हैं या जो भी इसके पॉइंट हैं, आप उनको समझते हुए इनके अपने आपसे नोट्स भी बनाइए और इनको अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पार्ट नंबर 3 करवाएंगे। और इसी तरह के एक अच्छे से जगह, तीसरी एक जगह है, उसके ऊपर आपको शेयर करवाएंगे। वहां देखना आप वो किस चीज के लिए फेमस है और कहाँ की आप शेयर करेंगे, उसके लिए आप लोग देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस विनय यादव के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।